दोस्तों मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना यानी कि माई कोई योजना के अंतर्गत आवेदन कैंप के माध्यम से लिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम झारखंड में होने वाली है। इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक पोस्ट करके बताया गया है और ये पोस्ट एक्स पर किया हुआ है ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड के द्वारा। तो चलिए जानते हैं, इस वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ में जानेंगे एंड साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे इस योजना का आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको अभी से तैयारी करके रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखने के लिए भी एक्स पर पोस्ट करके बताया गया है। तो चलिए डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि इस योजना का लाभ आपको मिल सके। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर, वेलकम टू किशोर डिटेल। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड लगातार सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम को ओपन कर लेते हैं, देन वहां पे एक्स को यानी कि ट्विटर को ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं यहां पे एक्स यानी कि ट्विटर को ओपन कर लिए हैं। इसमें सर्च करना है आपको ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड, जैसे मैंने इसको सर्च किया उसके बाद यहां पे कुछ लेटेस्ट पोस्ट इस योजना से संबंधित आई हुई है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं उसके बाद यहां पर देख सकते हैं एक पोस्ट यहां पे ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड की ओर से किया हुआ है। ये पोस्ट देख सकते हैं 23 जुलाई यानी कि कल के डेट में ही हुआ है। यहां पर देख सकते हैं योजना के करीब 40 लाख माता बहनों को होगा लाभ। यहां पे नीचे महिलाओं को सम्मान राशि देने के लिए एक पोस्ट यहां पर किया हुआ है, एक पोस्ट और नीचे यहां पे किया हुआ है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पे दो दो पेपर कटिंग यहां पे दिया हुआ है। तो चलिए दोनों पेपर कटिंग में विस्तार से देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमने पहला यहां पे पेपर कटिंग को ओपन कर लिया है। सीएम ने कहा कि 21 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक के सभी महिलाओं को हमारी सरकार सम्मान राशि देगी। अब यहाँ पर 49 वर्ष क्यों आ रहा है, क्योंकि 21 वर्ष की सभी महिला इस योजना का लाभ ले पाएंगे लेकिन 50 वर्ष के नीचे के महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिनका उम्र 50 वर्ष हो चुका है वो पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे, इसीलिए 21 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक के महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसको यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। आगे देख सकते हैं सभी महिलाओं को हमारी सरकार सम्मान राशि देगी, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब शहर से लेकर गाँव में भी पेंशन होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 200 यूनिट बिजली भी दिया जाएगा एंड आगे अलग अलग योजनाओं से संबंधित बात किया हुआ है। लेकिन मुख्य बातें जो है जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं वो यहां पर देख सकते हैं, सर्वजन योजना के लिए जरूरतमंदों को दे रहे हैं पेंशन। और उसके बाद यहां पे जो बड़ी अपडेट यहां पे दिया हुआ है जो कि सीएम ने कहा, यहां पे ऊपर में हेडिंग में देख सकते हैं सीएम हेमंत ने कहा, क्या कहा यहां पे देख सकते हैं, सरकार आपके द्वार अभियान फिर से होगी शुरुआत, और जिसमें 21 से 49 साल तक के सभी महिलाओं को सम्मान राशि दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आवेदन का यहां पे अवसर मिलेगा जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। चलिए दूसरा पेपर कटिंग की ओर चलते हैं जो कि आपको मैंने देखा है कि ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड की ओर से पोस्ट किया हुआ है। यहां पर देख सकते हैं महिलाओं को सम्मान राशि के लिए लगेंगी कैंप। यहां पर भी क्लियर किया हुआ है कि इस योजना का आवेदन के लिए कैंप लगाया जाएगा, लेकिन कैंप में इस योजना का ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। आप लोग सबसे पहले ऑफलाइन वहां पे आवेदन जमा करेंगे। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करके रख लेना चाहिए ये भी लिस्ट यहां पर दिया हुआ है। इस योजना संबंधित कैंप इस महीने के लास्ट तक में लगने का चांस है, बट उम्मीद कम रखिए, लेकिन अगले महीने में इस योजना का कैंप लगना बहुत ही ज्यादा चांसेस है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए अलग अलग नामों से इसको संबोधित किया जा रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, दूसरा नाम मुख्यमंत्री माई कोई योजना, और तीसरा नाम आपको यहां पे देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो अलग अलग योजना का नाम दिया जा रहा है, बट योजना एक ही है, कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। योजना वही है जिसमें 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष से कम के महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रति महीने 1000 रुपए उनके बैंक खाता में दिया जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि आवेदक का यहां पे पात्रता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना चाहिए। पहला पात्रता का यहां पे नियम यहां पे निर्धारित किया हुआ है कि आवेदिका जो महिला होगी वो झारखंड का निवासी होना चाहिए, यानी कि आवेदिका के आधार कार्ड में झारखंड का एड्रेस होना चाहिए तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद उम्र कम से कम 21 वर्ष पूरा हो चुका है तो ही आप इस योजना का आवेदन कर पाएंगे, एंड 50 वर्ष से कम है तो ही आप इस योजना का आवेदन कर पाएंगे। यदि आपका उम्र 50 वर्ष हो चुका है तो आपको पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। आगे यहां पे देख सकते हैं आवेदनकर्ता का आधार लिंक सिंगल बैंक खाता होना चाहिए। ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए कि आधार लिंक आपका होना जरूरी है। फिलहाल नहीं भी है आपका आधार लिंक तो भी आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन फ्यूचर में आपको सामना करना पड़ जाएगा कोई परेशानी का, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप आधार को लिंक कर लीजिए या फिर आधार लिंक किया हुआ बैंक खाता को आप यूज कीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आपका किसी भी सरकारी योजना का पैसे जिस बैंक खाता में आ रहा है उसमें आपका आधार लिंक किया हुआ है, उस बैंक खाता को आप यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। उसके बाद यहां पे देख सकते हैं जिनका आधार लिंक नहीं है उनको दिसंबर 2024 तक इस योजना का पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आधार लिंक करना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि यदि आप आधार लिंक वाला खाता देंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यदि आप बिना आधार लिंक वाला खाता देंगे तो 3-4 महीना आपको इस योजना का लाभ मिलेगा,
जाएगा, लेकिन दिसंबर के बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा, इसीलिए आप आधार लिंक वाला देंगे तो बेहतर होगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदन करने वाले महिला को मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और आवेदिका के पास कोई भी राशन कार्ड है, लाल हरा पीला या सफेद कोई भी राशन कार्ड है तो उस राशन कार्ड को भी देना पड़ेगा। ये सभी कागजात आपको जेरोक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही एक स्वघोषणा पत्र भी लगेगा जो कि इस योजना का फॉर्म होगा। ये फॉर्म बहुत जल्द जारी हो जाएगी, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आपको फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जैसे ये फॉर्म जारी होती है आपको इसी चैनल पे मैं वीडियो के माध्यम से सूचना उपलब्ध जरूर करा दूंगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रख लीजिए। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कहीं पर भी जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र की जिक्र नहीं किया गया है, तो इसीलिए आप बिना वजह कोई खास डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के पीछे मत पड़ जाइए। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कहा गया है साफ साफ आप देख पा रहे होंगे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इतना ही मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। एक पासबुक लगेगा, इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको मुख्य रूप से लगेगा। बाकी एक पासबुक साइज का फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, एक घोषणा पत्र लगेगा। इसके सिवा और कुछ भी कहीं पर अपडेट नहीं हुआ है तो इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगने की इसमें संभावना है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि इसका आवेदन कहां से होगा। बहुत जल्द सरकार आपके द्वार कैंप आपके पंचायत भवन में ही लगाया जाएगा, जहां पे आप आवेदन अपने पंचायत कार्यालय में ही जाकर करा पाएंगे। आवेदन आपका ऑफलाइन होगा और वहां से आपका ऑनलाइन करा जाएगा। आप सीएससी केंद्र के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करा पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।